राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पे जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसका मुख्य मुद्दा है कि विभाग द्वारा जो वादा खिलाफी किया गया पिछले बार जो हम लोग हड़ताल किए, जिसमें सचिव महोदय और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये वादा किया गया था कि मई के अंत तक हम लोगों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि हो जाएगा, सेवा शर्त का नियमावली तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिछले 6 महीने बीत गए मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ हम सारे आवास कर्मियों के साथ गलत FIR, चयन मुक्ति पदाधिकारी द्वारा पड़ताड़ना और चयन मुक्ति का हमेशा धमकी देना, ये सारे यातनाएं हम लोग झेल रहे हैं। इस कारण से ये हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 25 अक्टूबर 2018 से हम लोग बैठे हुए हैं। और इस बार आर पार की लड़ाई है, यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। स्तरीय कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया, उसमें हम लोगों का कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि हम लोग की जो सेवाएं हैं वो 60 साल की गई है या नहीं, और सेवा शर्त और अन्य सुविधाएं और वेतनमान की जो बात है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से क्लियर करें और उसमें हम लोगों के सेवा शर्त को लागू किया जाए, 60 वर्षों की सेवा नियमित किया जाए और वेतनमान दिया जाए। नील अहमद, जिला अध्यक्ष, पटना।